ग्रेस फॉर इंडिया वॉज रिटन बाय दिस पर्सन कॉल्ड विल ड्यूरेंट, जो कि दुनिया का अगर कहा जाए तो सबसे उत्कृष्ट हिस्टोरियन माना जाता है, माने जाते हैं, अब तो नहीं रहे। उन्होंने 26 वॉल्यूम लिखी थी हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन। अमेरिकन है, अमेरिकन थे वो और उनकी वाइफ ने मिलकर विल एंड आई फॉरगेट द वाइफ नेम विल, उन्होंने ये किताब लिखी हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन। ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फोरमोस्ट हिस्टोरियंस ऑफ द वर्ल्ड। 1930 में एक बार वो भारत आए, 1928 में जब अंग्रेजों का राज था, तो आकर उन्होंने जो भारत की स्थिति देखी उसके ऊपर एक किताब लिख दी, और ऑफ कोर्स वो किताब लिखते ही तुरंत बैन हो गई। एंड दैट बुक आई थिंक वॉज बैंड एंड नोबडी न्यू अबाउट दैट बुक। आई थिंक इन अराउंड 1997 और 6 समथिंग स्ट्रैंड बुक स्टोर आउट ऑफ बॉम्बे दे रीपब्लिश्ड इट, राइट। और तब त्रिलोचन ने मुझे वो खरीद कर किताब दी, मेरे पास अभी भी वो प्रति पड़ी हुई है। मैंने जब पढ़ा तो मेरी मतलब मेरी जमीन के नीचे से पांव सरक गए, है ना, ऐसा कहना चाहिए। मतलब आई हैड नो आइडिया अबाउट द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ इंडिया इन लेट्स से 1919 व्हाटएवर 30 40 एंड द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ इंडिया इन 1917 30, राइट। सो बेसिकली इन इन दिस बुक व्हाट विल ड्यूरेंट इज ट्राइंग टू डू इज बेसिकली गिविंग अ पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट इंडिया वाज इन लेट्स से 1700s एंड बेसिकली इकोनॉमिक केस फॉर इंडिया, कि भारत जो कि सन 1800 तक पूरी जीडीपी का 1/4 था, पूरी विश्व की जीडीपी का 1/4, मतलब ये हुआ कि अगर दुनिया में 4 कमीजें बनती हैं या 4 गेहूं खाना उत्पन्न होता है तो उसमें से एक भारत में होता था। 1/4 ऑफ द ऑल वर्ल्ड प्रोडक्शन वाज हैपनिंग इन इंडिया, 1/4, एंड विद इन 200 ईयर्स इट रिड्यूस टू 1/4 of a percent, मतलब 100 गुना कम हो गया। What happened was when I read this case for India, I said, ये किताब मोटी है, 80 पेजों की किताब है या 100 पेजों की किताब है, ज्यादा लोग नहीं पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि इस किताब का किसी तरह से एक तो हिंदी में अनुवाद हो जाए, दूसरा इस किताब पर एक छोटा सा चलचित्र, मतलब एक एनिमेटेड किताब बन जाए या एनिमेटेड फिल्म या स्टोरी, ताकि बच्चों तक ये बात पहुंच जाए और बच्चों से ज्यादा हमारे टीचर्स और बड़े लोगों तक पहुंच जाए। सो ये मेरी दिली ख्वाहिश है। इसीलिए सुना है यहाँ पर धर्मपाल का नाम, ही हैज रिटन। सो Interestingly, this man died in 2006, I think, 4 or 6, at the age, at the after he was 80. इस आदमी ने अपनी जिंदगी के 35 साल, 35 years he spent in London. Why? Because he went every day for 35 years, morning 8 o'clock till evening 6 o'clock, जब उनकी लाइब्रेरी खुलती थी और शाम को जब बनती थी, 35 साल सुबह से शाम तक जितनी भी कॉरेस्पॉन्डेंस अंग्रेजों की अपने वतन के साथ होती थी। सो द गुड थिंग अबाउट यू नो इंग्लिश व्हेन दे रूल्ड अस वाज दैट दे वुड यू नो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, जो भी वो कॉरेस्पॉन्डेंस करते थे, वो सारी कॉरेस्पॉन्डेंस इंग्लैंड भेज देते थे अपने, और वो सारी बहुत बढ़िया तरीके से स्टोर्ड है। सो ही बेसिकली लुक्ड एट द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ 200 ईयर्स बिटवीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ऑफ इंडिया एंड वॉट दे रिपोर्ट दे वुड सेंड बैक। And those are the 5 books that his whole work has been published. Or imagine, उस समय कोई फोटोकॉपी नहीं होता था। तो एक-एक डॉक्यूमेंट की, एक-एक फिगर की, एक-एक नंबर अपने हाथों से कॉपी कर करके उन्होंने वो काम करा, 35 साल तक काम करा, और you know, वो फिर यहाँ पर आकर छपा। तो कभी मौका मिले तो उनके बारे में पढ़िएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं वो। एंड वेन आई रेड दिस आई वॉज शॉक्ड। डू यू नो दैट इन 1800 India was 99% literate. Every village had 4 schools. 50% of the children reading in those schools were other caste, not Brahmins and upcastes. कई बार हमें ये लगता है ना कि पढ़ने का सिर्फ श्रेय ब्राह्मणों को मिलता था, बाकी लोगों को। Absolutely shocking data. और ये खुद का data नहीं है, ये वो data है जो अंग्रेजों ने सर्वे करा करा कर इंग्लैंड भेजा है।